कुछ डिस्पेंसर्स हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रोटर्स लगे हुए, बिल्ट इन कंप्रेसर लगा हुआ है। इसके अंदर दो जार वाला अवेलेबल है, तीन जार वाला भी अवेलेबल, रोटेट करते रहते हैं अंदर ही अंदर और उसको ठंडा भी करते रहते हैं। ये इटालियन कॉफी मशीन्स हैं। इसके अंदर ऑटो वेंडिंग वाला जो ऑप्शन है, ये ऑफिसेज वगैरह में ज्यादातर यूज होती है। तरह की कॉफी मशीन्स हैं, ये भी कमर्शियल में इस्तेमाल होती है, मार्केट में बहुत इन हुई भी आजकल। माइनर आइस जो है बिल्कुल पिसी हुई जो बर्फ हो जाती है। ग्राइंडर थे वो ये रखे हुए, 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर है। जो तवा आइसक्रीम चल रही है, आइसक्रीम रोल्स है, ये उसकी मशीन है। आइसक्रीम डिफ्यूजर्स होते हैं। ये पॉपकॉर्न मशीन है विद काउंटर। ये कैंडी फ्लॉस मशीन है। कॉर्न स्टीमर है, इसके अंदर हार्ड आइसक्रीम, जिलेटो आइसक्रीम तैयार होती है। बारबेक्यू स्टेक्स वगैरह बनाने के लिए ये ग्रिलर है, ठीक है। बाकी हमारे पास ये सुपरमार्केट फ्रीजर्स भी होते हैं, स्टोर्स, चेयर हो गया, प्याज हो गया, यहाँ पे फ्रोजन आइटम रखने के लिए ये सारे फ्रीजर्स काम आते हैं। ये भी केक काउंटर्स हैं, इसके ये रखे हुए पिज्जा वन, ये आइसक्रीम डिस्प्ले तैयार हुआ है। ये स्लश मशीन जो मैं आपको बता रहा था, ये उसी की 2000 वाली अवेलेबल है। असल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जावेद से तो और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर काफ़ी वैरायटी है इनके पास, कमर्शियल अप्लायंस के हवाले से काफ़ी वैरायटी है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके हवाले से भी, आप घर के हवाले से भी कोई चीज़ें लेना चाहते हैं तो उनके पास वो वैरायटी भी है। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनके पास क्या क्या। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम? मेरा नाम अम्माद अहमद है। अम्माद भैया का एड्रेस समझा दीजिएगा। यहाँ का एड्रेस अब्दुल्ला हारून रोड पे मेन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, होलसेल की हाशू सेंटर, उसके बिल्कुल अपोजिट आपको सीमा सेंटर मार्केट मिलेगी। उसके अंदर हमारी यासर कमर्शियल अप्लायंसेस के नाम से शॉप है, शॉप नंबर 34 है। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कमर्शियल के रिलेटेड से सारी चीजें मिलेंगे, सारे अप्लायंसेस मिलेंगे। अब उसके अंदर आप स्मॉल बिजनेस खोलना चाहते हैं उस हवाले से भी हमारे पास सामान है। अगर आपका प्रॉपर बिजनेस है तो उस हवाले से भी हमारे पास मशीन्स है। बेसिकली हमारा जो सारा जितना भी सेटअप है ये सब इम्पोर्ट है, सब इम्पोर्ट होते हैं सारे प्रोडक्ट्स। बिल्कुल जैसे आइस मेकर्स, अगर हम बात करें आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम का आजकल कराची के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, आइसक्रीम की शॉप बहुत ज्यादा खुली हुई है। तो उस हवाले से हमारे पास कोन आइसक्रीम मशीन्स भी होती हैं, हार्ड आइसक्रीम मशीन्स भी होती हैं, फ्रीजर्स होते हैं आइसक्रीम के, डिस्प्ले फ्रीजर्स होते हैं, जिलेटो फ्रीजर्स होते हैं। अब उस हवाले से अगर हम जूसेस के बारे में बात करें तो ब्लेंडर्स हो गए, कमर्शियल साउंड प्रूफ ब्लेंडर्स हो गए, हार्ड फ्रूट जूसर्स हो गए, इस तरह के जूस डिस्पेंसर्स हो गए, स्लश मशीन्स हो गई, इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं। आइस मेकर्स हमारे पास होते हैं। आइसक्रीम में अभी नई कॉन्सेप्ट है तवा आइसक्रीम, जो आइसक्रीम रोल्स का कॉन्सेप्ट है वो होता है। बाकी अगर बेकिंग के हवाले से बात करें तो हमारे बेकिंग ओवन्स होते हैं, प्रॉपर कन्वेक्शन ओवन्स हो गए, बेकिंग ओवन्स हो गए, ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल बारबेक्यू के हवाले से अगर आप फास्ट फूड का कहीं सेटअप आपने खोला है तो उस हवाले से हमारे पास फ्रायर्स हैं, हॉट प्लेट्स हैं, हर चीज है, प्रॉपर सेटअप है हमारे पास। अब ऑफिस के लिए हमारे पास कॉफी मशीन है। अगर आपको छोटा मोटा स्मॉल बिजनेस खोलना है तो हमारे पास पॉपकॉर्न मशीन भी है, कॉटन कैंडी मशीन भी है, कैंडी फ्लॉस जो हमारे पास आती है गुड़िया के बाल वाली मशीन, वो भी आप छोटा मोटा सेटअप आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और आप अपना नंबर ही बता दीजिए अगर बिजनेस पॉइंट। जी बिल्कुल, मेरा नंबर 0348203684 1 मेरा ये नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल हम आपको एड्रेस गाइड कर देंगे, आप यहाँ पे विजिट करें, जो चीज़ आपको पसंद आती है इंशाल्लाह आपको अच्छे प्राइजेस में डील करेंगे। ये हमारा शोरूम है, ठीक है। यहाँ पे आपको और चीजें भी मिलेंगी अपने कमर्शियल के हवाले से। अब जैसे हम इधर आते हैं तो ये आपको दिख रहा है जूस डिस्पेंसर्स है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रोटर्स लगे हुए, बिल्ट इन कंप्रेसर लगा हुआ है। इसके अंदर 2 जार वाला अवेलेबल है, 3 जार वाला भी अवेलेबल है, 4 जार वाला भी अवेलेबल है। इसके अंदर लोग जूसेस वगैरह डालते हैं, जूसेस की शॉप खोलते हैं, फ्रेश जूसेस हमने डाल दिए, मिल्क शेक डाल दिए, तो ये रोटेट करते रहते हैं अंदर ही अंदर और उसको ठंडा भी करते रहते हैं, फ्रेश रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 1 लाख से लेके तकरीबन आप समझ लो 1,60,000 तक की रेंज है हमारे पास। बाकी डिफरेंट कॉफी मशीन्स भी हैं, ये इटालियन कॉफी मशीन्स हैं, ये बिल्कुल कमर्शियल हैवी ड्यूटी एक्सप्रेसो वाली जो कॉफी मशीन्स होती हैं
ये वो है। इसके अंदर सिंगल ग्रुप भी अवेलेबल है, डबल ग्रुप में भी मेरे पास अवेलेबल है। बाकी ये कॉफी मशीन के अंदर ऑटो वेंडिंग वाला जो ऑप्शन है, ये ऑफिसेज वगैरह में ज्यादातर यूज होती है। इनके अंदर ऑटो वेंडिंग कॉफी मशीन कहलाती है। इसके अंदर मेरे पास दो वाली भी है, तीन वाली भी है, चार वाली भी है, और ये आठ ऑप्शंस वाली भी है। तो ऐसी डिफरेंट चीजें हैं। ये भी मेरे पास इसी तरह की कॉफी मशीन है, ये भी कमर्शियल में इस्तेमाल होती हैं। और बाकी हमारे पास आप देखते चलें तो ये भी है, ये वही आ गया ग्रिल जो हमारी पैनिनी ग्रिल होती है, ये उस तरीके का आ गया। ये कॉन्सेप्ट है स्लश मशीन है, ये मार्केट में बहुत इन हुई है आजकल। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बर्फ का बिल्कुल माइनर आइस जो है बिल्कुल पिसी हुई जो बर्फ हो जाती है, ये उस तरीके का सेटअप है। इसके अंदर भी आपको 2000 वाली भी मिल जाएगी, ये भी कमर्शियल 3000, ये सारी चीजें कमर्शियल के लिए, सारी कमर्शियल में चलती है। बिल्कुल बिजनेस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जो ग्राइंडर थे वो ये रखे हुए, ये 2000 वाला साइज है, ये 1500 ग्राम वाला साइज है। बाकी ये डो मिक्सचर्स है, ये नीचे जो हमने देखा उससे बड़े साइजेस है, 5 लीटर, 7 लीटर, 10 लीटर। इसके अंदर पे बड़े साइजेस भी है, 20 लीटर, 30 लीटर। बाकी एक ये चीज है, आजकल जो आइसक्रीम रोल्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो तवा आइसक्रीम चल रही है, आइसक्रीम रोल्स है, ये उसकी मशीन है। इसके अंदर आपको यहाँ पे पेन्स भी दिए हैं, आप चॉकलेट की टॉपिंग वगैरह का सामान भी रख सकते हैं, काउंटर भी गिवेन है आपको साथ ही साथ। बाकी यहाँ पे डिफ्यूजर्स भी होते हैं हमारे पास, आइसक्रीम डिफ्यूजर्स होते हैं, आइसक्रीम डिस्प्लेज होते हैं, ये सारी चीजें। आइसक्रीम मशीन की काफी रेंज है मेरे पास, मैंने आपको एक मॉडल तो नीचे दिखाया था, बाकी ये डिफरेंट मॉडल्स और भी हैं। ये उससे हाई एंड मॉडल है, मैंने आपको रेंज बताई 2-10 से लेके 4.5 लाख तक के मॉडल्स हैं, आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये पॉपकॉर्न मशीन भी रखी हुई है यहाँ पे, ये पॉपकॉर्न मशीन है विद काउंटर, ये कैंडी फ्लॉस मशीन है विद काउंटर। बाकी आइस मेकर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर आप समझ लो 70,000 से लेके 60,000 तक की रेंज है हमारे पास। पॉपकॉर्न हो गई, कॉटन कैंडी हो गई, इन सबकी रेंज तकरीबन सेम है। ये आइस मेकर्स है, ये बहुत बड़े आइस मेकर्स हैं, कमर्शियल हैवी ड्यूटी, 300 kg बनाते हैं 24 घंटे में। तो इसके अंदर डिफरेंट साइजेस आते हैं, 20 kg वाला भी आता है 24 घंटे, 20 kg, 25 kg, 40 kg, 50 kg। तो इस तरीके के साइजेस हैं। इनकी रेंज की बात करी जाए तो 1,40,000 से लेके 6.5 लाख तक के मॉडल्स हैं। ये सब आइस मेकर्स हैं, आइस मेकर्स मैंने आपको बता दिया। ये जो रखे हुए, ये ऊपर जो रखा हुआ, ये कॉर्न स्टीमर है, भुट्टो का जो होता है, भुट्टे के जो दाने होते हैं उसका स्टीमर है, ये भी प्रोफेशनल कमर्शियल है। फिर ये नीचे रखी हुई है, इसके अंदर हार्ड आइसक्रीम जिलेटो आइसक्रीम तैयार होती है, जो स्कूप वाली होती है, इसके अंदर वो सारी चीज होती है। ये ग्रिलर है, बारबेक्यू स्टेक्स वगैरह बनाने के लिए ये ग्रिलर है, गैस का ग्रिलर है गैस का ग्रिलर है, ये भी इम्पोर्टेड है। बाकी हमारे पास वार्मर्स भी होते हैं, सेलिमेंडर्स भी होते हैं, फ्रायर्स भी होते हैं, हॉट प्लेट्स वगैरह लगी हुई है, ये मीट स्लाइसर आ गया, ये बहुत सारी चीजें कमर्शियल से तकरीबन सारी चीजें। और ये भी जैसे ये अपना सलाद बार हो गया, ये सारी चीजें, ये सब इम्पोर्टेड है, ठीक है। बाकी हमारे पास ये सुपरमार्केट फ्रीजर्स भी होते हैं, इसके अंदर 6 फिट 7 फिट 8 फिट वाले साइजेस भी हैं। सुपरमार्केट फ्रीजर्स यानी कि जो जनरल स्टोर्स, चेज हो गया, इम्तियाज हो गया, यहाँ पे फ्रोजन आइटम रखने के लिए ये सारे फ्रीजर्स काम आते हैं, ये सारे इम्पोर्टेड हैं, थाईलैंड से भी इम्पोर्ट होते हैं, चाइना से भी होते हैं। बाकी ये केक काउंटर है, ये भी इम्पोर्टेड है ये भी केक काउंटर्स हैं, इसके अंदर भी 4 फिट 5 फिट 6 फिट 7 फिट सारे साइजेस मिल जाएंगे हमारे को। बाकी आप इधर अगर आए मेरे साथ तो ये रखे हुए पिज्जा ओवन, बेकिंग ओवन रखे हुए, इसके अंदर भी डिफरेंट साइजेस हैं। इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक वाला, ये वाला जो है ये इलेक्ट्रिक है, ये वाला गैस है, फिर गैस के अंदर एक और छोटा साइज आता है वो रखा हुआ है, फिर डबल डेक भी मिल जाएगा इसमें, ट्रिपल डेक भी मिल जाएगा। अब आप अगर इधर आए तो ये एक मिनट वीडियो पॉज करोगी। अब जैसे ये फ्रीजर्स हैं, हम फ्रीजर्स के ऊपर ऑल्ट्रेशन भी करवाते हैं आइसक्रीम पार्लर्स के लिए। जैसे ये आइसक्रीम डिस्प्ले तैयार हुआ हुआ है, ये सिंपल फ्रीजर था, इसके ऊपर हमने कैनोपी बनवाई है शीशे की, अंदर स्टील के फ्रेम लगा के उसके अंदर पेंस लगवाएं, तो इससे क्या है कि आइसक्रीम का डिस्प्ले हमारा बहुत खूबसूरत हो जाता है अगर हम आइसक्रीम की शॉप खोलना है तो। इसमें हम ऊपर आइसक्रीम के डिस्प्ले हैं जो उधर फ्लेवर्स अपने डिस्प्ले कर सकते हैं, और नीचे हमारी स्टोरेज आ जाती है,
तो हम स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अंदर किसी भी फ्रीजर पे हम ऑल्ट्रेशन करा देते हैं, फ्रीजर के साइज पे मैटर करता है कि फिर वो ऑल्ट्रेशन के क्या चार्जेस हैं। ये सारे वही सुपरमार्केट फ्रीजर है। ये इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये देखिए स्लश मशीन जो मैं आपको बता रहा था, ये उसी की 2000 वाली अवेलेबल है। ये भी स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर अभी कस्टमर ने हमसे खरीदी है, तो हम इसको प्रॉपर टेस्ट करके उन्हें गाइड करके फिर उसके बाद उनके हवाले करते हैं मशीन, फिर उन्हें सेल करते हैं प्रॉपर। अभी देखें इसकी टेस्टिंग चल रही है, अभी मैंने मशीन स्टार्ट करी है, अंदाजन आधे पौने घंटे के अंदर इसके अंदर प्रॉपर स्लश बन जाएगा। तो ऐसा ही, अगर आप हमारे पास विजिट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप हमारी शॉप पर आ सकते हैं। हम इसी तरीके से आप अगर कोई चीज़ फाइनलाइज करते हैं तो हम उसे टेस्ट करा के, चेक करा के, प्रॉपर गाइड करके फिर आपको देंगे वो मशीन।